अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आग अली और आज हम बात करेंगे एक जो शो है जिसका नाम है तमाशा, उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अदनान सिद्दीकी वो लेके कौन आया है भाई? अदनान सिद्दीकी ना वो ब्रांड की प्लग सही से कर रहे हैं, ना वो आके टास्क सही से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बादशाह बादशाह, मुझे अदनान जी ना कहें, मुझे अदनान साहब कहें। अरे अदनान साहब, आपको हो क्या गया भाई? एक ही तो हमारा ढंका है यहाँ पे एक्टर इंडस्ट्री में, शान के बाद जो गुड लुकिंग भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। अरे भाई ये क्या, अरे बादशाह तो वो जिसको बताना ना पड़ेगा वो बादशाह है। अब अंदर के लोग भी कुछ खास काम नहीं कर रहे। अब मायरा को ही देख लें, जेल के अंदर बैठ के कहती है मेरी आज तक कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे तुमको बच्चे देख रहे हैं घरों में, कुछ इंसानों की तरह तुम गेम खेलो यार। तुमको बेइज्जती उससे फील हो, तुम जेल के अंदर गए हो तभी बेइज्जती फील होगी, उससे पहले जो बाहर जो सारे काम कर रहे हो, इतने सीनियर एक्टर हो के आप। फिर कुछ लोग जो नए चेहरे थे साइम, माय गॉड, पहली एपिसोड में उमर के पीछे पड़ गए। उमर ने मेरे खानदान को ये बोला है, मेरे उमर को, वो बाद में जी भर के सबको बुराइयां कर रहे। उनको मैसेज भी आ रहे हैं उनको घर की तरफ से कि भाई प्लीज थोड़ा सा माइंड करें, आने को गलत बात नहीं करनी, कोई एडवाइस भी फॉलो नहीं कर रहे घर वालों की। भाई तुम घर वालों की सुन लो, हमारी नहीं सुनो, घर वालों की सुन लो। तुम कॉमन सेंस की ना सुनो, घर वालों की सुन लो। नहीं, उनकी भी नहीं सुननी, कचरा कचरा हो गया सबके साथ। कहीं से कोई तमीज और सारी जो थी पोलाइटनेस, सब गायब हो गए, भूल गए। कचरा करने पाए तो कचरा कर दिया सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है एयरवे से एयरवाई कचरा इस वक्त फेंक रहा है तमाशा शो करके। जरूरत क्या थी, फाद भाई है ना हमारे पास, इतना अच्छा शो करते हैं फाद भाई, और एक ये कचरा लगाने की क्या जरूरत थी उसके सामने? अब मुझे मालूम है रेटिंग में हाई जाएगा भाई, रेटिंग की पूजा करते रहो, लेकिन सोसाइटी में तो कचरा हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। फाद भाई जब एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं वो भी कई बार मजाक मस्ती करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, लेकिन भाई एक आउट नहीं होते वो। यहाँ तो भाई वो लोग छोड़ो, पता नहीं क्या स्पाइस अप करने के बहाने, जब से स्पाइस अप होने की उनकी बात हुई है बर्बाद कर दिया उन्होंने कंटेंट। आप आधा टाइम तो आपसे चीख रहे हैं। वो शो को देखने के बाद बंदा इसलिए, भाई सेलिब्रिटीज को देखो विदाउट मेकअप विदाउट एवरीथिंग नेचुरल, उनको रियलिटी में देखो, इसलिए बंदा आता है रियलिटी शो देखने। और वहां पे आप सिर्फ अपना कचरा दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। अब आदि जो है, आदि माई गॉड, आदि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसलिए नहीं कि मैं बायस है उनको फायदा भाई के शो की वजह से, वो अच्छा खेल रहे हैं, तमीज के कॉमेडी भी करेंगे वो सिचुएशन पे, ठीक है। और उमर उनके साथ बहुत अच्छा टीम अप हुए में, उमर को सही सपोर्ट कर रहे हैं आदि, ठीक है। अपनी जितनी भी वो यूज कर रहे हैं सपोर्ट, बिल्कुल सही सपोर्ट कर रहे हैं। उमर एक नया बिल्कुल आए माशाल्लाह से, एक आउटकम अगर देंगे यार भाई को क्रेडिट देंगे, एक अच्छी यहाँ पे अवाम के सामने उमर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नेचुरल रहते हैं, फेक नहीं है बिल्कुल भी वो, ठीक है। अगर वो स्किट्स वगैरह भी करें वो क्रिएटिव होते हैं उसके अंदर, वो आदि के साथ टीम अप होकर करें चाहे इंडिविजुअल स्किट्स करें, बहुत ओरिजिनल मटेरियल लेके आते हैं। अच्छा और फिर अब बात करते हैं आप लाला भाई की। लाला भाई जो हैं वो सिर्फ सिंपथी पे प्ले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ऑल द टाइम सिंपथी कि भाई मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, ठीक है भाई बहुत बुरी चीज़ है डायबिटिक्स, अल्लाह सबको डायबिटीज से बचाए। लेकिन इस तरह वो गेम बिल्कुल ये करें, वो चाह रहे हैं मुझे लास्ट एपिसोड तक कोई कैरी कर ले और उन्हें कोई भी उन पे प्रेशर ना आए, तो आई डोंट नो, अवाम उन्हें सही दे देगी, रिस्पेक्ट दे रही है क्योंकि रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने वोट भी किया, उन्हें फर्स्ट टाइम जो वोट आउट हो रहे थे हाईएस्ट उन्हें वोट्स मिले थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो सही तरीके से गेम खेल रहे हो। अब ऑफकोर्स तमाशा घर के लोगों के अंदर कोई तमाशा घर के अंदर का हाल पता है सही, और बहुत ज़्यादा टफ है जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं उसको, लेकिन जो है लाला से एक्सपेक्टेशन है कि वो जरा अंदर और घुस के जरा गेम खेले। इस वक्त तो वो सेफ सेफ खेलते रहते हैं, बहुत सेफ खेलते हैं, और ओवरऑल जो है जो कंटेंट है उसके अंदर भाई यही नजर में आता है कि अब जो जितने भी और स्टार्स हैं आपस में एक दूसरे की चोरियां कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स से क्या या बच्चे क्या मैसेज लेके जाएंगे कि भाई अगर कोई बंदा आपका कंपेटिटर है तो आप उसे सेबोटाज कर दो, आप उसकी चीज़ें चोरियां कर लो क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आ रहा या वो आपका कंपेरेटर है, तो ये मैसेज इस वक्त जा रहा है, तो बहुत ही गलत मैसेज है। और यहाँ से बहुत अच्छे मैसेजेस भी जा सकते हैं इस शो से, जो कि होपफुली आइंदा वाले जो नेक्स्ट ईयर रन होगा या फिर जो भी नया सीजन होगा उसके अंदर अच्छे मैसेजेस जा सकते हैं, जैसे कि एक बंदा किस तरह इवॉल्व होता है, किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कचरा ही दिखाया जाए, खुल के भी कोई अच्छी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं,
कि आप ओवरकम कर रहे हैं अपने डायबिटीज को और आप तब भी चैलेंजेस कंप्लीट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल डिजीज को आप हावी नहीं होने दे रहे अपने आप पे. फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है किसी से शिकायत है तब भी आप उसके साथ अच्छा रवैया कर रहे हैं. ये यहाँ पे आप खुला बोलते हैं वो कि मैं आपके साथ बुरा रवैया इसलिए कर रहा हूँ आप मेरे साथ बुरे थे, और फिर आगे बुराई कर रहे हैं उसके साथ, और फिर ओपन में धमकियां दे रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारी ये चीज चोरी कर दूंगा, वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये सेबोटाज कर दूंगा. सही स्पिरिट में गेम बिल्कुल भी नहीं चल रहा. और यहाँ पे रूल शुरू में उन्होंने कुछ कहे थे कि आप जातियात पे नहीं जाएंगे, आप कुछ गलत बात नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, इंसल्ट नहीं करेंगे, ईगो हिट नहीं करेंगे. यहाँ पर डायरेक्टली ईगो की, लोगों के करियर्स पे ताने, लोगों की अपेयरेंसेस पे ताने, प्योर कचरा. उस शो से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई आप बहुत कुछ सीखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, या किस तरह आप लोगों के साथ जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ किस तरह बॉन्डिंग करते हैं, आप किस तरह अपने डेडलाइंस मीट करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, वो इस वक्त ट्रांसलेट होके नहीं आ रहे. इस वक्त शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा कोई बच्चे के सामने आप लगा नहीं सकते, आपको डर होगा आपका बच्चा इमोशनली स्कार हो जाएगा फॉर लाइफ. वो इतना शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा एडल्ट्स को लड़ते हुए देखेगा, उन्हें तो समझ में भी नहीं आ रही इतना वो चीख क्यों रहे हैं एक दूसरे पे, सामने एक दूसरे के मुंह पे खड़े होकर चीखे जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, एक ही चीज 10 बार रिपीट कर रहे हैं. मतलब उसको तो मुझे लगता है मैं भी उसकी तरह थोड़ा सा अफेक्ट हो गया उस शो को देखने के बाद, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ इस शो को. तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आप ना देखें, ये बिल्कुल भी आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है. स्पेशली इवनिंग टाइम है जब आपने जो है अपने दिन भर के बर्डन आपने उन्हें भूलना है, आपने रिचार्ज होना, आपने रिलैक्स होना, इसलिए थोड़ी कोई टीवी ऑन करते हैं. मतलब पहले वो टॉक शोज आते थे टीवी पे जिसपे लड़ रहे होते थे दो पोलिटिकल पार्टीज के लोग, आपसी लोग लड़ रहे हैं, एंकर लड़ रहे हैं, अब जो है ये लोग लड़ रहे हैं, सुपरस्टार्स लड़ रहे हैं. एक आर्टिस्ट ही तो है जो कि सोसाइटी को कुछ थोड़ा सा अच्छी चीज दिखा सकता है, अब वो भी इसे ऐसे कचरे रिफ्लेक्ट करके दिखाते रहेंगे कि हाँ भाई सोसाइटी में कचरा है तो हम भी कचरा ही दिखा. नहीं भाई, आप लोगों से बेटर उम्मीद है, आप लोग बेटर होके दिखाएं, आप लोग इतने लोगों से मिलते हैं, इतना आपका एक्सपोजर है, इतने आपके डिफरेंट रोल्स हैं, आप अच्छी चीज हमें दिखाएं ताकि हम भी वो फिर देखें तो हमें भी कोई फायदा हो. थैंक यू सो मच.